आपसे पिछली मर्तबा मैंने बताया था कि आत्मा क्या चीज है, वो किस प्रकार सच्चिदानंद होता है और किस प्रकार आत्मा की अनुभूति के बाद ही मनुष्य इन तीनों चीजों को प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार के बगैर आप सत्य को नहीं जान सकते। आप आनंद को नहीं पा सकते। आत्मा की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। अब आप आत्मा से बातचीत कर सकते हैं, आत्मा से पूछ सकते हैं। आप लोग अभी बैठे हुए हैं, आप पूछें ऐसे हाथ करके करके कि संसार में क्या परमात्मा है, क्या वो उन्हीं की सत्ता चलती है। आप ऐसे प्रश्न अपने मन में पूछें, ऐसे हाथ करके पूछें। देखिए हाथ में कितने जोर से प्रवाह शुरू हो। कोई सा भी सत्य आप जान नहीं सकते जब तक आपने अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं ली, माने जब तक आपका उसे संबंध नहीं हुआ। आत्मा से संबंध होना सहयोग से बहुत आसानी से घटित होता है। किसी किसी को थोड़ी देर के लिए होता है, किसी के लिए हमेशा के लिए हो जाता है। आत्मा से संबंध होने के बाद हमको उसे तादात में पाना होता है। माने ये कि मैंने आपको जाना, ठीक है, आपको मैंने पहचाना, ठीक है, लेकिन मैं आप नहीं हो गई हूं। आपको मैं देख रही हूं और आप मुझे देख रहे हैं। जिस वक्त मैं आपकी दृष्टि से देख सकूं उसी वक्त तादात में होता है। आत्मा के अंदर प्रवेश करके वहां से आप जब सब संसार पर दृष्टि डालते हैं, तब कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार पूर्णतया संपन्न हो। कुंडलिनी का जागरण, उत्थापन तथा भेदन सब कुछ हो गया जो लोग पा रहे हो। सहस्त्रार टूट गया, आप चक्रों के द्वारा अपनी स्थिति और दूसरों की स्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, उसकी जानकारी होने लगी। लेकिन अभी आप आत्मा से तदाकार नहीं हो, तदाकार नहीं। आत्मा से तदाकार होने के लिए सबसे पहले मैं नहीं हूं ऐसा मानना चाहिए। वो ही वो है, तू ही तू है। पहले आत्मा को मानना चाहिए कि तू ही तू है, मैं नहीं। कबीरदास ने बहुत अच्छे से कहा है कि जब धुनकने वाला धुनकता है तो धुनकी की आवाज आती है तू ही तू ही, लेकिन जब बकरी के पेट में अतरियों के रूप में होती है तो तब कहती है मैं। फिर बकरी के अतड़ियों से निकल के उसकी अच्छी पिटाई होती, सफाई होती, तानी जाती, खींची जाती, सुखाई जाती, और जब उसे फिर धुनकनी पे लगाते हैं तो हर समय कहती तू ही तू 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 ही तू ही। ऐसे ही हमारे मन का है। मन को खूब अच्छे से देखना चाहिए। देखो तो भला ये मन ये कैसा है, कहाँ भटकाते रहता है हमको, कहाँ भटकाते रहा व्यर्थ की चीज़ों में, हमारा चित्त कहाँ जाता है। कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी इस चीज़ को देखते हैं, कभी उस चीज़ को देखते हैं। हर समय हमारा मन किसी न किसी भावना या वासना से भरा रहता था। अब उसमें प्रकाश हो गया, हम देखते हैं इसमें वासना है, भावना है, लेकिन तो भी हम इस गंदी चीज़ को अपने साथ लिए चले जा रहे हैं। इसको धुनकना है, मारना पीटना नहीं है, धुनकना है। तो उसके और देखें, उसके प्रकाश को प्रज्वलित करें कि हे मन देखो तुम तो परमेश्वर का मंदिर हो ना,
परमेश्वर के मंदिर में ऐसी गंदी भावना क्यों आ रही है? इसको तुम बाहर ही रखो, बहुत हो चुका। पहले सभी लोग ऐसे लिखते थे कि मन समझ समझ पगधरी। हे मन, दुनिया भर की चीजों के लिए तुम दौड़ते हो, तुम परमात्मा के लिए कब दौड़ोगे? परमात्मा को अपने अंदर कब बसाओगे? तुम्हें ये चिंता रहती है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा। अरे मन, ये तेरे कौन रह चुके, ये कोई तेरे हुए हैं? ये बंद था लगा। ये कोई तेरे अपने हैं? इनके लिए क्यों तू हर बार इस तरह से परेशान होते रहा? अपने मन से बात करें। धीरे धीरे इस तरह से मन की सफाई होते होते आत्मा का प्रकाश उसमें प्लावित होने लगेगा। उस प्रकाश से आप में आनंद की लहरियां बहने शुरू होगी। धीरे धीरे आप में जड़त्व लाने वाली जितनी भी चीजें हैं धीरे धीरे घटती जाए और अपने आत्मा में ही लीन होते जाएंगे। इस वक्त आप कहेंगे कि मैं ही हूं और कुछ नहीं। यही भावना रह जाती कि मैं हूं। आत्मा ही आप हो जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं ही हूं। जब आत्मा के अंदर से दृष्टि होने लग जाती है तो आप कहते हैं कि ये मैं हूं, ये संसार मैं हूं, ये सृष्टि मैं हूं, ये समुंदर मैं हूं, ये दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो मैं नहीं हूं। हर एक चीज में मैं ही बसा हुआ हूं। हर चीज में मेरा ही वास, मेरे से ही सारी सृष्टि स्पंदित है, मेरे बगैर सृष्टि का निर्माण ही नहीं। मैं ही सब कुछ। यह अहंकार नहीं, यह वास्तविक, यह असलियत। इसे अस्मिता कहते हैं। लेकिन उसको पाने के लिए सबसे पहले हमारा जो झूठा मैं है उसे तोड़ना होगा। झूठा मैं में अनेक चीजें हैं। शुरू से आप देखिए कि मैं हूं हिंदुस्तानी, मैं हूं हिंदू, मैं हूं मुसलमान, मैं हूं फलाने नाम वाली, मैं हूं फलाने नाम वाला, मेरी ये पोजीशन, मेरा ये पैसा, मेरा ये गरूर, मैं साड़ी हूं, कपड़े हूं, मैं स्वेटर हूं, सूट हूं, सब कुछ हूं, मैं नहीं हूं, बाकी सब मैं होता हूं। इस तरह के अनेक मैं में मैं लगता हुआ सारी जिंदगी बिताते रहता हूं। फिर एक क्षण भर बैठ के सोचना चाहिए, क्या इसीलिए मेरा जन्म हुआ था? सारी जिंदगी मैंने क्या किया, कहाँ गई ये दिन, कहाँ बिताया मैंने अपना सारा समय, कहाँ बर्बाद किया मैंने? सहजयोग के बाद भी बहुत से लोग अभी भी अपना समय बहुत बर्बाद करते। फिर से समय नहीं आने वाला, इस बात को कोई समझते नहीं है। बहुत लोग बर्बाद करते हैं, गलत जगह चले जाते हैं, फिर आके कहते हैं माँ मेरा सर पकड़ गया। क्यों ऐसा समय बर्बाद करना है, इसमें रखा ही क्या है? ऐसे तो हजारों लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन पार होने वाले लोगों को आत्मा में लीन होना चाहिए। सब हो गया, भंडार खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, अंदर भी आ गए और अभी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अब इसे क्या किया जाए? भाई हम आपके लिए खाना बना सकते हैं, आपके मुंह में डाल सकते हैं, अब आपका पचा तो नहीं सकते ना, ये तो आप ही को पचाना है। उसकी कोई मेहनत नहीं है खास, सब चीज के लिए टाइम होता है, इस चीज के लिए टाइम नहीं होता। आखिर अपने और चित्त करें कि हमने पाया क्या आज तक? चार साड़ियां पा ली, दो चार जेवर पा लिए, आठ दस तमगे पा लिए कि फलाने के फलाने थे, ढिकाने के ढिमाके थे, ऐसे हजारों आए और गए, दुनिया में आए और खत्म हो गए। उनका क्या हुआ? मिट्टी हो गए सब लोग, मिट्टी से कोई नरक में गए, कोई कुछ हुए, कोई पत्थर हो गए, क्या हुआ? अब जो फूल खिले हुए हैं इनको तो फल बनना ही पड़ेगा, परिपक्वता आनी पड़ेगी अपने विचारों में, अपने संलग्नता, अपने ध्यान। जीवन अत्यंत सुंदर अगर बनाना है तो सुंदरता को अपनाना पड़ता है।
उसका जो कुछ असुंदर है, जितना भी अगली है, उसको निकाल फेंकना पड़ता है। लेकिन हम लोग तो अभी भी उसी चीज़ में थोड़ा थोड़ा लिपते चले जा रहे हैं। आज एक साहब आए थे, उमेर साहब कहने मेरे सामने कहने लगे कि मैं सिगरेट पी लूँ थोड़ी, माता जी हर्जा तो नहीं? मैंने कहा मुझे क्या हर्जा, तुमको हर्जा है या नहीं? अरे मेरा क्या हर्जा है, मैं क्या करती हूँ? मैं तो चुपचाप बड़ी देख रही हूँ कि कौन कहाँ है, कैसे चल रहा है। मुझे हंसी आती लोगों कि अमूल्य को छोड़ के, अनमोल को छोड़ करके ये क्या। सहज भावना से परमात्मा से कहना चाहिए कि तेरा खेल होने दे, मेरा बहुत हो चुका, मैं बैठा हूँ, अब तू खेल, देखना मुझे तेरा खेल। इसके अलावा मांगने का क्या है संसार में? नहीं तो व्यर्थ, जंक जिसे कहते हैं, वो हम हो जाते हैं। समझ लीजिए, कल ये माइक बनाया गया है और इतना खराब हो जाए कि फिर चल ना सके, तो ये कहाँ जाएगा मालूम है ना आपको? इसका लोहा पीट पाट करके और फिर से मशीन में डाल दिया जाएगा, बाकी इसकी आत्मा तो खत्म होगी। आपका जो इंस्ट्रूमेंट बना है, अगर वो इस्तेमाल ना करें आप, तो उसकी एफिशिएंसी पूरी खत्म हो जाएगी कि नहीं? और उसका एंजॉयमेंट क्या रहा? मैं तो आपको एंजॉयमेंट की बात कर रही हूँ, किसी के कुछ हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है। ध्यान में कितनी प्रगति की, आप क्या बने, यही सहयोग में सवाल पूछा जाता है। आप पूछते हैं भगवान है या नहीं, ठीक है इसका जवाब दे देंगे, वाइब्रेशन से आपको देते हैं, आपके सब सवाल ठीक हो जाएंगे, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, आपकी मानसिक दशा ठीक हो जाएगी, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आप भगवान के लिए क्या दे रहे हैं? अरे कुछ देने का नहीं है, लेने का है। आप कहाँ तक ले रहे हैं उसे? ये सवाल आपने पूछे, क्या हमने सब ले लिया? जितना माँ दे रही है उसमें से कितना हमने लिया है? क्या पूरा पूरा ले लिया सब कुछ? क्या पा लिया? अपना रास्ता भटक भटक के हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं, क्यों ना हम इसे पालें? संसार की चीजें तो चलती ही रहती, इसमें रखा क्या? कोई मिलने आया, कोई चला गया, कोई कुछ हुआ, इसमें रखा क्या? हमने कितना पाया है? एक एक इंसान एक एक इंस्टीट्यूशन है, मैंने कहा था, एक एक इंसान एक एक संस्थान। पाटिल आते हैं, आप जानते हैं, एक छोटे से गांव से आते हैं, तालवा नाम का गांव है, छोटी सी झोपड़ी में रहते, उनकी जमीन है थोड़ी बहुत, हर प्रोग्राम में आते हैं कालवा से, उनको भी खेती करनी है, उनके बच्चे हैं काफी, उनको पालना पोसना सब कुछ करना, हर प्रोग्राम में आते हैं। अपने घर में उन्होंने लगा के रखा है कि सहयोग, माता जी निर्मला देवी का सहयोग, वहां से जितनी ट्रेन जाती है सब देखती। मैंने भी एक बार जाते जाते देखा, मैंने कहा ये कहाँ, ये मैं यहाँ कहाँ आ गई, यहाँ कहाँ मैं विराजमान हूँ? लोगों से पूछा, मैंने कहा यहाँ किसने माता जी निर्मला देवी का सहयोग निकाला? कहने पाटिल का मकान। मैंने कहा हाँ, और धड़ाधड़ वाइब्रेशन वहाँ से आ, उनके पास आज हजारों भी रुपया होता तो भी उनकी इतनी इज्जत नहीं होती जितनी उनकी आज इज्जत है उस गांव में। मैं गई थी वहाँ, सब लोगों ने पैसा ऐसा इकट्ठा करके वहाँ सारा इंतजाम किया, सब बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। आज उनकी वक्त है, कहीं खड़े होते तो लोग जानते कि कोई खड़ा है कोई चीज। आखिर पाने का क्या है? चार जेवर पहनने से भी कौन बड़ी आपकी शोभा होने वाली है? लोग तो पीठ पीछे हंसते ही आपको, क्योंकि महामूर्ख है ये लोग। आपने मानवता में कितना पा लिया, आपने अपनी कितनी कीमत पा ली है, यही असली बात है। वहां से लोग जाते वक्त उनके घर को भी नमस्कार करते। मनुष्य की पहचान उसके बाहरी में कुछ नहीं होती, अंदर ही होती है। आपको मैं शास्त्री जी का उदाहरण देती हूँ। शास्त्री जी बहुत थोड़े समय के लिए जीवित रहे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अर्थी को लेकर के हम सभी लोग गए थे, मैं भी थी उसी में। तो जो कलश थे, अर्थी तो कोई दिखाई नहीं देती थी, शास्त्री जी तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देते, सिर्फ थोड़ी सी अर्थियाँ थी उसमें, एशेस, वो एक कलश में रखी थी। उस कलश को देखने के लिए हर जहाँ से ट्रेन जा रही थी, रास्ते भर लोग खड़े थे लालटेन लेकर, तो ट्रेन धीरे धीरे जाती थी, सब उस कलश के दर्शन के लिए बस नमस्कार करें, सब उसको नमस्कार।
और जब वो अर्थियां समर्पित हो गई गंगा जी में, उसके बाद वो सब पहले में वो कलश गए कहां, पता नहीं कहां पड़े थे, वो खोजने से भी नहीं मिले, पता नहीं कहां पड़े गए, लोगों ने कहा जान दो हटा, कहीं चले गए होंगे, किसी ने चुराए भी नहीं, तो एक बैलगाड़ी थी उसके नीचे में पड़े थे, वहां से उठा कर। मैंने कहा देखो इन कलशों को ही अभी तक नमस्कार करते आए, वहां से ट्रेन धीरे 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 चलती आई, हजारों मील से लोग आकर के उस कलश के दर्शन कर रहे हैं, और उस कलश में से फिर दूसरे वो आशेष ही थे ना, वो जैसे ही विसर्जित हो गए तो वो उस कलश को किसी ने पूछा भी नहीं, किसी काम का भी नहीं, कोई अर्थ ही नहीं रहा उसमें, एकदम यूजलेस चीज, उसकी कोई कीमत ही नहीं रही, किसी ने उसको सजाया भी नहीं, संवारा भी नहीं, देखा भी नहीं, वहां पे नीचे में फेंक दी बैलगाड़ी के नीचे में, वो कहीं दबदबा जाते खत्म हो जाते। और जब उसको उठा के लाए लोगों का, इसे कहाँ रखे है, बेकार की चीज, इतनी बड़ी कहाँ उठा ले जा रहे हैं, देख दो इसको गंगा जी क्या रह गए। ऐसे ही आपके शरीर का, आपके व्यक्तित्व का है, मृत्यु से पहचान होती मनुष्य की, उसे जानना चाहिए, हर एक आदमी को मृत्यु आता ही है, इसी वजह से उसकी परख कैसी होगी, उसके परख के लिए मृत्यु आती है, मृत्यु के वक्त है, किसी के लिए दो आदमी रोते हैं, किसी के लिए दस आदमी रोते हैं, किसी के लिए पच्चीस आदमी रोते हैं, कोई कहता है मेरा पति मर गया, कोई कहता है मेरी माँ मर गई, कोई कहता है मेरा बाप, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जब मर जाते हैं तो जहाँ उनकी अर्थियाँ गढ़ती हैं वहाँ से सुगंध की लहरें बहती रहती, उसके पास से आप गुजर जाओ तो कहते हैं हाँ किसके पास आ। मैं कश्मीर में गई थी, आश्चर्य की बात है, तो हमारी मोटर चली जा रही थी, मैंने कहा रुको 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 रुको, यहाँ किसकी समाधि, कहे समाधि नहीं है, मोहम्मद साहब का एक बाल रखा हुआ है यहाँ पे, इसको एक बाल कहते हैं, उसी को मैंने नमस्कार किया, एक बाल उनका वहां रखा हुआ, उससे ऐसे वाइब्रेशन चारों तरफ, मैं कहा हिंद और नहीं तो हम हैं किसकी, हमारी कीमत ही क्या है। और जब ये दीप जल गया है, हमारे अंदर ये प्रकाश आ गया है, तो उसकी तो इज्जत करो, उसको तो संभालो, उसको तो अपना, ये सोचने समझने की बात यही है, बाकी सब व्यर्थ का सोच करते बैठे हो, बाकी में सोचने की कोई जरूरत नहीं, करने वाला सब परमेश्वर, सब कुछ वो करता है। अगर आपको सोचना ही है तो ये सोचना है क्या मेरा दीपक इस योग्य है, मैंने कहाँ रखा है मेरा दीपक, दीपक जला करके आप क्या टेबल के नीचे रखिएगा, ये कौन सा तरीका, इसका मापदंड अपने और ले लेना चाहिए, इसको सोच लेना चाहिए हमने अपनी मानवता कहां तक जगाई, उसको कितना हमने मैनिफेस्ट किया, कितना हमारे मानवता का प्रकाश फैला है, दुनिया क्या कहती है हमारे। आप लोग मुझे मानते हैं ना माँ, और गुरु भी मानते हैं, ठीक है, फिर मेरे जीवन की और भी तो दृष्टि करें, सब हजारों वर्षों की तपस्या के बाद हम मनुष्य हुए, हजारों वर्षों के बाद, और मनुष्यता के नाते आने पर फिर समझा कि मनुष्य क्या होता, लेकिन तो भी मैं अभी नहीं समझ पाती हूँ कि अमूल्य रत्न हीरा मिलने पर भी मनुष्य उसकी कीमत क्यों नहीं करता है, मुझे बहुत ही कठिनाई होती है, बिल्कुल कैजुअली आदमी रहता है इस मामले में, सोचता है क्या चले जाएंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, कारण यह है हीरे का मूल्य आप बाजार में जाके पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई बाजार नहीं, इसका बाजार आप ही का हृदय, आप ही का मन, आप ही का संतोष, आप ही का विचार, सब कुछ आप ही के अंदर, आप ही से अपनी ही संतोष की बात, अपने ही में आप खेलते हैं, अपने में आप जागते हैं, अपने में आप रहते हैं, अपने ही में मजा लेते हैं, और ये सारे जो अपने हैं उनके साथ आप रचते हैं, उन्हीं के अंदर विराजते हैं। एक आदमी कहता कि देखो एक सहयोगी है हमारे यहाँ, हाँ एक आदमी, और एक है कि वो ऐसा, क्या आप सहयोग को बदनाम कर रहे हैं या उसको सुनाम दें, लोग क्या कहें, ध्यान में गहरा उतरना आना चाहिए।
गहरा उतरने से ही नहीं होता, उसको फैलाना पड़ेगा। अगर आपने फैलाया नहीं तो परमात्मा आपसे पूछेंगे कि आपका दीप किस लिए जलाया था, कि आप अपने संसारिक भवसागर में घुस के फिर से बुझ जाओ, इसलिए आपका दीप जलाया था क्या माने? आप किस लिए माँ के पास गए थे, जागृति क्यों करने के लिए गए थे, किस वजह से? लगन होनी चाहिए, विचार सारा प्लानिंग यही होना चाहिए कि मैं अपने क्षण 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 कैसे रहूं, कैसे चलूं, यही प्लानिंग होना चाहिए। दुनिया भर के प्लानिंग बंद करिए, वो सब परमात्मा करता है आपकी। उल्टा ही प्लानिंग हमेशा दिमाग चलाते रहता है, जिससे हमारा धर्म टूटता जा रहा है। ये कि सवेरे उठे, हाँ थोड़ी देर बाद बैठेंगे, उससे अच्छा थोड़ा सो ही ले, बहुत कैजुअल हो जाता है। सहज चीज बहुत सहज मिलती है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन जो सहज हुई है माने आपके साथ जो जन्मी है, इसकी बहुत बड़ी पुरानी परंपरा चली आई है और वो बनाई गई है, उसकी आप कीमत नहीं समझते हैं, उसको आप नहीं नाप सकते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे कुंडलिनी बनाई गई, कैसे चढ़ाई गई, कैसे आपको आत्म साक्षात्कार हुआ। आप तो सोचते हैं कि हाँ मिल गया, जैसे बाजार में जाकर आपने साड़ी खरीद लियो चाहे कपड़ा खरीद लियो। नहीं 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 नहीं, ये अनंत की तपस्या है, इससे आपने पाया है, इसका मूल्य जानिए, इस पर गहरे गहरे उतरना पड़ेगा, गहरे जाना पड़ेगा, तब आनंद और सुख इस संसार में आएगा। इस संसार की समता, एकता, इस संसार का उत्थान सभी कुछ आप सहयोगियों पे है, ये तो कम से कम समझ लेना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी समझ करके आगे बढ़ा जाए। अब आपने देखा ना, जिनको बाधा होती है वो आग भी नहीं बंद कर पाते, सामने दिखाई देती, पागल कोई ले आई आप, आँख नहीं बंद कर सकता मेरे सामने, उसकी आँख लपक लपक करती, फौरन में पहचान जाती इसको बाधा है, तो बोले चाहे बोले। अगर आपकी आँख इधर उधर ज़्यादा चले तो समझ लेना चाहिए कि कुछ बाधा ही हमारी है, स्टेडी क्यों नहीं हो पाती आँख, आँख स्टेडी रखिए। आपका चित्त इधर उधर जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई हमारे अंदर बाधा है, क्यों नहीं हो पाता। हमारा मन अगर छोटी छोटी चीज़ों में उलझता है और छोटी छोटी चीज़ों में हम अपना जीवन अगर बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो कि करना चाहिए सहयोग के लिए, तो सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ना कोई बाधा ही नहीं तो होना चाहिए। अगर आप देखें तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर मनुष्य को कोई धन मिल जाए तो फौरन उस धन के व्यय में वो लग जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि माता जी वाइब्रेशन आ गया, अब आगे क्या? अरे भाई अब आपकी संस्था बना दी, अब संस्था चलाओ। संस्था बनाने की बात थी तब की बात हमने कर दी, संस्था बनाने को तो बना दी आपकी संस्था, अब आगे चलाओ, आप संस्था खोलो अपनी और उसको चलाओ। कोई कहेगा कि लो भारतीय विद्या भवन बना दिया, अब आगे क्या, अब इसको चलाना है कि नहीं चलाना? जिस चीज के लिए बनाया वो तो करो, इसलिए बनाया कि दूसरों को प्रकाश दे, दूसरों में प्रकाश भरे, इसलिए आपकी संस्था बनाए। अब आप कर रहे हैं क्या ये काम? हाँ पर अब बांटो तो सही, बांट के देखो कितना बढ़ता है, ऐसा तो है धन दिया उन्हें, इसमें कोई शक नहीं, पर बांटते फिरो पागल के जैसे बांटो, देखो तो सही कितना बढ़ता है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, इसको बांटे बगैर मजा नहीं आने वाला। इसमें कृपणता करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, उसको कोई ना कोई बीमारी होगी, या तो उसको शारीरिक तकलीफ, उसको मानसिक तकलीफ, उसको ये तकलीफ, उसको वो तकलीफ, क्योंकि अंदर से जब संतुलन ही नहीं है तो सब दुनिया भर की बीमारियां, बीमारी माने विकृति, और सुकृति यही है, इसको बांटो सबको दो मुफ्त में। ये नहीं कहने का कि मेरी पावर है, नहीं नहीं कुछ नहीं कहने का, सिर्फ कहने का मेरे अंदर से बह रहा है भाई ले लो, तुम भी ले लो, अपने आप फड़के हैं देखिए। मैंने इनका बार बार उदाहरण दिया, क्या है, एक टीचर है बेचारे, जब उनको मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, जिस परिस्थिति में, अपने बहन से कहो, भाई से कहो, सबसे कहो, भाई देखो तुम अगर बीमार हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम सहयोग में आओ तब हम बात करें। कोई आपके दोस्त है मिलने आते, खाने पीने में हजारों रुपया आप खर्चा करते, लोगों को शराब पिलाने में हजारों रुपया आप खर्चा करते, भाई थोड़ा सा वाइब्रेशन भी खर्चा करो। ये कहने में क्या जाता है कि हमारी माता जी कहती कि शराब पीना बुरी बात है, शराब मत पीना, यहां तो सहयोग में आते हैं और घर में शराब पिलाते। भाई जब बुरी चीज है तो बुरी चीज है, समझ लेना चाहिए। मोहम्मद साहब कोई पागल थे कि नानक साहब कोई पागल थे कि दुनिया भर के लोगों ने शराब को मना किया और सब लोग पागल थे क्या?
इन्होंने जिस चीज को मना किया है वो सब कोई पागल लोग तो नहीं थे ना। किसी ने किसी चीज को कहा, किसी ने किसी चीज को कहा। वजह यह थी कि एक कह गए तो दूसरे ने कहा अच्छा ये छोड़ो, दूसरा कहेंगे। लेकिन लोगों का तो ऐसा है कि इसने ये नहीं कहा तो ये नहीं करो, और उसने ये नहीं कहा तो वो भी नहीं करो। मतलब ये कि कुछ भी नहीं करो, सीधा ही सा। पर ये किसके लिए खोज रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? अपने लिए। और कोई भी नहीं इसमें नुकसान पाने वाला, आप ही का अपना नुकसान आप अच्छे से कर रहे हैं। एक हाथ से इधर मार रहे हैं, एक हाथ से इधर मार रहे हैं, दोनों हाथ से अपना नुकसान आप कर रहे हैं। जो चीज बुरी है उसको छोड़ना है, उसमें उलझना ही क्यों, उसमें पढ़ना ही क्यों? अफेनेटिसिज्म है कि कोई एक मैं फलाना ठिकाना हूं, मैं हूं हिंदू के, मैं कौन हूं, पता नहीं कौन कौन बन के बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं। इस तरह के पागलपन को कब छोड़ने वाले आप लोग? ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें अगर छूट जाएं तो आत्मा में प्रवेश हो सकता है। आत्मा में बहुत सरल तरीके से आप घुलते जाएंगे और आपको आश्चर्य होगा कि आप ही की अवेयरनेस आत्मा की अवेयरनेस हो गई, और आप जो बोलते हैं अधिकारवाणी से, आप कुछ बोले एक एक शब्द आपका पकड़ा जाएगा, एक अक्षर आपने कहा उसी की एकदम से उसी वक्त झेल हो जाएगी। सारे के सारे चिरंजीव हाथ लेकर के खड़े हुए हैं, बोलिए। इस बड़ी दशा में आने पर भी अगर आप अपने को स्थानापन्न न करें तो आपकी कौन इज्जत करेगा? अगर राजा अपनी इज्जत नहीं करे तो लोग क्या उसकी इज्जत करेंगे? अरे जो अपनी इज्जत नहीं करता है, अपनी पाई हुई चीज की इज्जत नहीं करता है, उसकी कौन इज्जत करेगा? एक सीधा हिसाब है। ध्यान में जमना पड़ेगा। ध्यान में 4 बजे से मैंने कहा बैठिए, उठ के बैठना पड़ेगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं। 4 बजे उठना कौन सी मुश्किल चीज है? सवेरे उठिए, बैठिए, ध्यान। दिन में एक न एक आदमी से सहयोग की बात करूं, कम से कम एक से, मतलब घर गृहस्थी की जो चक्की चूली में औरतें उनका करें, बाकी औरतों को तो जो मिले उससे करो, क्या हद है? आपने जिंदगी भर और बातें क्या करी सिवाय फालतू की बातों की? लोगों को देखिए, कहेंगे देखो इस दुकान में अच्छा मिलता, क्या आपको क्या सेल्समैन किसने बनाया? कभी किसी के लगे मैंने भी वो बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा बुरा आदमी, कोई आप कोई फ्रीडर है? आपने जो पाया इतना बहुमूल्य, उसको कितना बढ़ाया आपने? और बढ़ा के उसको जमाइए लोगों के अंदर में, उसको बिठाइए। जब आप करना शुरू कर देते हैं तो परमात्मा साक्षात उस पर उतर आते, गंगा बहने लगती है आपके चरणों से। और ऐसे आदमी की जब मृत्यु होती है तब देखिए जिस मिट्टी में वो चल दफनाया जाता है उसके एक एक मिट्टी फूल बन जाती है, इतना सुगंध सारे संसार के लिए बड़ी बारी चीज हो जाती है। वर्षों तक उस पर दीप जलते हैं, लोग याद करते हैं कि हो गए, इन्होंने कौन से बड़े बारी तोफखाने लगाए थे। फकीरों जैसे रहे वो, चाहे जैसे भी रहे, काहे को फिर भटकते। अब सब धर्म आप सब समझाना पड़ेगा। रियलाइजेशन से पहले मैं कोई धर्म की बात नहीं करती हूँ, रियलाइजेशन के बाद सारे धर्म अपने अंदर बिठाने पड़ेंगे। 10 कट्टरता भी बड़ी बुरी चीज है। मैंने यहां तक देखा लोग मोहम्मद साहब को बुरी भाषा कहते हैं, सहयोगी लोग कहते हैं, आश्चर्य होता है मुझे। आपको किसने दिया रियलाइजेशन? आपके पेट में कौन बैठा हुआ है? किसने वर्षों की तपस्या करके आपके पेट में प्रवेश किया हुआ है? किसने आपको जागृति दी? आज्ञा पे कौन बैठा हुआ है? आपने बनाई थी ये सब चीज, जिन्होंने तपस्या से अपने को लोहे जैसे जीवन में से इस तरह से अपने को बनाया, एक स्वर्ण जैसे जो तप करके निकले, और जिन्होंने आपके लिए सारा ये कार्य किया, उनको आप मना करने वाले कौन होते हैं भाई? कौन हो? वो तो मेरे अंग प्रत्यंग होते हैं, मेरे सर आंखों पर वो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनको क्रिटिसाइज करने में आप कौन होने वाले हैं, आप क्या हैं? किसी भी ऐसी महान शक्ति जो इन देवताओं में विरचती है, उसका एक शब्द भी उसके खिलाफ कहना, एक बार भी उसके बारे में कहना या
उसके विरोध में मन में विचार आना भी महान पाप के बराबर, और उससे आपका हृदय चक्र विशेषता हृदय पकड़े जाएगा। शिव जी को मनाना बहुत ही मुश्किल है, इस बात पर वो बहुत ही तुले हुए हैं। किसी भी देवता के ऊपर में आपको मना, आप होंगे अपने घर में बैठे। इसको अगर मनुष्य समझ ले तो कभी नहीं इतनी निंदा करे, किसी भी महान धर्म की कभी निंदा न करे, और अपने धर्म में जागे, अपने को समझे, अपनी सत्ता को समझे, परमात्मा को समझे। यही एकता इसी से होने वाली है, बाह्य बातों से नहीं कि हिंदू मुसलमान एक है और ईसाई सब एक है और पारसी सब एक है। इस बात से होने वाली है कि सबके जो आदि गुरु हैं एक ही तत्व है, एक ही तत्व अनेक बार इस संसार में आया है, और हम महामूर्खों जैसे लड़ रहे हैं, जैसे कि वो खंडों में से निकल गई आत्मा थी उसी तरह से हम बच गए और आपस में लड़खड़ा रहे। जो महान तत्व है, जो हरेक धर्म में, जैन बुद्ध कोई सा भी धर्म, हरेक धर्म में जिस उस महान तत्व की अनेक बार उपासना हुई है, उसी महान तत्व में हम आज पार हुए हैं, उसी महान तत्व ने आज हमें पार किया है। और जब तत्व पे आप आ जाते हैं, ऐसे ही आप समझते हैं कि सारे के अंदर वही तत्व फैला हुआ है, सबके अंदर वही तत्व स्पंदित है, तब हमें अलग अलग होने की बात ही कैसी आती है। हम तो सब एक ही पेड़ की शाखाएं, एक ही पेड़ पे पले हुए सब कुछ, उसके जड़ों को बुरा कहने से हम अपने ही अन्नदाता को कह रहे हैं वो बुरा है। इतना अज्ञान संसार में रहा है, उसकी हद हो गई, अब मनुष्य ने उसको और भी अंधकार में डाला, और अंधकार में डालता ही चला गया। उसमें वो बड़ा पुरुषार्थ समझता, बड़े बड़े धर्म बनाए, कर्म कांड बनाए और धर्म संस्था बनाए, दुनिया भर के तमाशे बना बना करके परमात्मा को घोट मारा। किसी भी महान धर्म के खिलाफ बोलते वक्त सोचना चाहिए कि तुम हो कौन, किस खेत की मूली हो, तुम क्या बोलते हो, ये सोच ले। लेकिन अगर एक दूसरी बात सोचे कि उस महान सागर जो अनेक किनारों पर जाकर के स्पंदित हुआ है, वही सागर हम हैं, क्योंकि हम उसके अंदर के बूंद हैं, उसी में मिले हुए हैं, तो सोचे कितनी विशालता अंदर लगती, वही सागर। अनेक बार जिस सागर ने अनेक लहरों से और अनेक अनंत धर्म स्थापन किए, उसी सागर के हम एक अंश हैं, ये सोच लेने से देखिए कितनी विशालता हृदय में फैल जाती, हृदय कितना महान हो जाता और सारा संसार कैसे अपना ही लगता। उस विशालता का आनंद उठाइए, कद्रुकता का नहीं लेकिन विशालता का, किस तरह से दोनों हाथ फैला करके ये प्रेम का सागर सारे संसार में अनेक वर्षों से महक रहा है, और उसी की सुगंध हम ही है, ये सोच करके उसका आनंद महक। अपनी शुद्रता से तोड़, अपने छोटेपन को तोड़ कर, पार हो जाने से ही सब नहीं होता है, पार तो हो ही गए लेकिन अभी चक्र क्यों पकड़े, क्योंकि आप शुद्ध रहे, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ, अभी आप डरते हैं और किसी गुरु के पास जरूर जाते तो पाइए वहां से। झूठ से हम दूर भागे तभी सत्य हमारे ऊपर आएगा, हम झूठ को माने हुए कभी सत्य नहीं आ सकता। सतर्क रहे और समन्वय हर एक चीज का करे, सब चीज की और समनत्व से देखे। समनत्व ये शब्द देखना चाहिए कि तत्वतः चीज क्या है, तत्वतः जो कुछ हितकारिणी है, जो वाइब्रेटिंग है वो सब ठीक है, ऊपर का जो कुछ है सो व्यर्थ है। इन विचारों से चलें, अपने मन की सफाई करें, धीरे धीरे आप देखिए रोज के व्यवहार में, आप पीछे हट करके सोचिए क्या मैं ये सहज योग में कर रहा हूं या असहज में, फौरन पता हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं। आपकी तो एक एक उंगली सहज घूमनी चाहिए, आपकी एक एक बाल की जरा सी रेखाएं भी जो बदलती हैं वो भी सहज होनी चाहिए, हर एक चीज में सहज का कंपन होना चाहिए, हर चीज से सहज ही का आवरण खुलता जाना चाहिए। ऐसा जीवन जब बनेंगे, ऐसी जब विशेष तरह के मेरे बच्चे होंगे, तभी मैं कृतार्थ हूँ। क्या मेरे जीवन काल में ये हो सकेगा? आप चाहें तो क्षण में हो सकता है और नहीं चाहे तो नहीं। इसीलिए माँ भी आपके सामने हारी बैठती है, भगवान भी आपके सामने झोली फैलाता है, क्योंकि इसकी स्वतंत्रता जो आपको दे चुके हैं, दी हुई चीज ली नहीं जाती,
और लेकर के भी क्या करेंगे। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, आप जब चाहे आए जब चाहे जाए, जो करें सो करें। इसका कोई बंधन नहीं, सहयोग में किसी चीज का बंधन नहीं है, किसी भी चीज का बंधन नहीं है। आपका अपने विवेक का बंधन अपने ऊपर डालिए तो आपका विवेक जागृत होगा। अपने समझदारी का बंधन अपने ऊपर डालिए, अपनी विशालता का बंधन अपने ऊपर डालिए, अपनी महानता का बंधन अपने ऊपर डालिए, जिससे कि आप महान हो और वही अलंकार आप अपने को संवारे, उसी से आप सौंदर्य में उतरें, उसी से सारा संसार देखे कहे कि आहा हा हा, ये क्या जी, ये क्या एक ज्योति, पता नहीं कहाँ से आई, इसको किसने दिया, तो आपके माँ का भी नाम होगा, नहीं तो कौन जानेगा। हमारे सहयोग में सबसे बड़ी बात जो है वो यह है, सारे धर्मों का अर्थ सहयोग से एक्सप्लेन होता है। ये बहुत बड़ी चीज, आप कोई सी भी धर्म की पुस्तक पढ़ें और उसको आप सहयोग से समझें और लोगों को बताएं तो लोग हैरान हो जाएंगे, अरे इसका अर्थ ये था। क्रिश्चियन लोगों को मैं जब बता, कहले माँ तुम ही कह रहे थे तो बाइबल में है, मुसलमान कहते तो कुरान आप कह रही हैं, खलील जिब्रान आप कह रही हैं, बिल्कुल खलील जिब्रान ही बोल रहे हैं। यही नहीं समझ में आता कि माँ बोल रही थी, खलील जिब्रान बोल रहे हैं। जैन कहते हैं अरे यही तो हमारे शास्त्रों में सब लिखा है, बुद्ध कहते हैं यही हमारे शास्त्रों में सब लिखा है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष हम यहाँ दे रहे हैं, उसे लीजिए आप, उसको अपनाइए और दूसरों को भी दिखाइए।